तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये कम्प्लीटली इंजन के ऊपर है। डन। ये कम्प्लीटली इंजन के ऊपर है। अब इंजन में मतलब जो पिस्टन का सेटअप होता है ना, जो पिस्टन का सेटअप होता है उसके ऊपर है। तो पहले मैं एक बार वो सेटअप आपको मतलब आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम शुरू करने वाले हैं। देखो, ये रहा हमारा पिस्टन इनिशियल स्टेट में। डन। एक बार आप इस चीज़ को समझ जाओ, फिर आपके लिए वो जो साइक्लिक प्रोसेस का जो ग्राफ है ना, वो ज़िंदगी भर ईजी बनेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इनिशियली हम इसके अंदर पेट्रोल वगैरह सब कुछ डालते हैं, इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, डाल के क्या करते हैं, इस पिस्टन से इस तरह कंप्रेस करके रख देते हैं ना। डन। अब इस पिस्टन से ऐसा कंप्रेस किया होता है, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है जब शुरू होने वाला है इग्निशन। तो जब ऐसा इसके अंदर ऐसे जब कंप्रेस होता है तो क्या होता है, इसमें अचानक क्या होता है, मतलब हम लोग इसको इग्नाइट करते हैं। जब इग्नाइट करते हैं तो पहले क्या होता है, पहले एक मॉलिक्यूल बर्न होता है, फिर दो दो मिलके क्या कर लेंगे, चार। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोसेस होता है ना, जैसे चेन रिएक्शन खेला है आपने। तो पहले क्या, एक, फिर एक से बच जाएगा दो, दो से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, मतलब 6 से 12, 12 से 24, 24 से 36, इस तरह बनते रहेगा। मतलब क्या होगा, फर्स्ट जब ये शुरू होगा तब क्या होगा, इसमें धीरे 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 एक्सपेंशन, समझ लो ना, धीरे 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 लोग जलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो क्या होगा, बहुत ही स्लोली स्लोली क्या होगा, बहुत ही स्लोली स्लोली पिस्टन मूव कर रहा होता है। डन। बहुत ही स्लोली स्लोली ये पिस्टन मूव कर रहा है, बहुत ही स्लोली स्लोली पिस्टन मूव कर रहा है। डन। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे वॉल्यूम अगर 10 मीटर क्यूब था, प्रेशर तो आपको पता है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, 50 पास्कल मान लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, धीरे 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 बढ़ रहा है, एक क्या है, बहुत ही स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। बढ़ बढ़ के क्या है, एक सर्टेन वॉल्यूम तक पहुँचा होगा, मान लेते हैं कि ये बढ़ बढ़ के 40 मीटर क्यूब वॉल्यूम तक पहुँच गया, इसका प्रेशर कम हो गया होगा 20 पास्कल। अब क्या हो गया, इस पर 50% ऑफ मॉलिक्यूल इग्नाइट हो चुके। तो अगले स्टेप में क्या होगा, सडनली सारे मॉलिक्यूल इग्नाइट हो जाएंगे ना, सडनली मॉलिक्यूल इग्नाइट होगा तो धड़ाके से एकदम, समझ रहे हो, यहाँ पे था एकदम अचानक क्या हो जाएगा, पिस्टन काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगा, काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, और भी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, और उस प्रेशर क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब सब एकदम सडन एक्सपेंशन हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब मान लो 5 पास्कल के बराबर आ गया प्रेशर, बहुत ही कम आ चुका है प्रेशर। डन। क्योंकि यहाँ पे सडन एक्सपेंशन हुआ है। अब क्या होगा, जब सडन एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंड करना था इसने, एक्सपेंड तो सडनली कर लिया, लेकिन अब क्या होगा, ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन दोबारा इसको क्या करेगा, अभी आप कोई चीज़ को कभी दबाया होगा ना, किसी के अंदर हवा भराया, अगर उसको अपने दबाया होगा तो क्या होगा, पहले वो बहुत ही स्लोली स्लोली, मतलब धीरे 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 दबेगा, उसके बाद जब खत्म हो रहा होगा तो तुरंत खाली हो जाता है। नहीं मतलब नहीं समझ आ रहा है तो बलून में हवा भरना, भर के उसको दबाना, तो देखने स्टार्टिंग में जब दबाओगे तो भाई थोड़ा ताकत लगेगा तुमको कि हाँ भाई दबाना पड़ रहा है, उसके बाद जब खाली होते रहेगा ना तब देखेगा तुरंत निकल गया हवा एकदम तुरंत से। तो क्या होगा, जब ये पूरा भर गया, अभी पूरा कंबशन हो चुका है, फिर क्या होगा, पिस्टन धीरे 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 नीचे आएगा, धीरे 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 नीचे आ रहा है, एकदम स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत प्रेशर लगा रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया ना, जब पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया तो इसके बाद क्या होगा, अभी उसको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धड़ाके से क्या होगा, फिर से वो नीचे आ जाएगा, एकदम पूरा नीचे आ जाएगा, आया समझ में, एकदम तुरंत नीचे आ जाएगा। डन। तो अगर हमें ये प्रोसेस समझ आता है तो भाई हमारे लिए इतना बस है। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया था, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, फिर हमने देखा कि क्या हो गया, यहाँ पे जब पूरा एक्सपेंशन हो गया, पूरा रैपिड एक्सपेंशन हुआ, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम था, फिर ये धीरे 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 कर करके कर करके कुछ वॉल्यूम, कुछ सर्टेन वॉल्यूम तक पहुँच गया मान लो। अब इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम कम गया होगा ऑब्वियसली, मान लो 30 मीटर क्यूब आ गया, प्रेशर क्या हो गया, फिर से बढ़ गया होगा, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे मान लो 10 पास्कल्स, 10 नहीं 20 मान लेते, 20 पास्कल्स प्रेशर हो गया होगा। अचानक क्या होगा, जब हवा निकल रहा होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है, फिर अचानक क्या होता है, जब कम हो जाता है तुरंत निकल जाता है हवा, तो तुरंत यहाँ पे निकल गया होगा, मतलब अचानक वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा, अचानक वॉल्यूम तुम्हारा बहुत ही कम हो गया, जब मतलब यहाँ पे था थोड़ी देर पहले, धीरे धीरे जब हो रहा था, फिर अचानक यहाँ से यहाँ पहुँच गया एकदम धमाके से, वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। डन। ये हमें समझ आता है। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या था, पहले जब मैंने इसको इग्नाइट किया तो स्लोली स्लोली क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था ना, स्लो प्रोसेस और एक्सपेंशन, प्रोसेस स्लो है साथ में एक्सपेंशन है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, स्लो प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल और साथ में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस ग्राफ में पहला ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन का रहेगा। फिर क्या हो गया, जब 50% ऑफ मॉलिक्यूल इग्नाइट हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, अनदर 50, मतलब 50% से 50% सीधा पहुंचेगा, मतलब क्या होगा, 100% एक्सपेंशन होगा, एक ही साथ में मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो सडन प्रोसेस था, सडन मतलब अचानक फटाफट हो गया, जल्दी से हो गया, तो कौन सा होता है, वो एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है आपका अगला प्रोसेस साइक्लिक में। डन। ये पूरा आपका पिस्टन के ऊपर है। अब देखो उसके बाद क्या हो गया, जब पूरा भर, पूरा जब एक्सपैंड हो गया तो फिर क्या हो गया, फिर से पिस्टन अपना इसके इसके ऊपर वर्क, मतलब
लोड डालेगा, तो क्या होगा धीरे धीरे, कोई भी चीज़ को जब कोई भरा होता है ना, कोई चीज़ को खाली कर रहे होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना होता है, फोर्स या पिस्टन है तो भाई फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर या फोर्स तुमको जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे यहाँ पे फोर्स लगाएगा, लगा लगाया क्या करेगा, इसको यहाँ तक लाएगा, वो धीरे धीरे लाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को कम कर रहा है लेकिन स्लो प्रोसेस है, वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल है, और वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या है, कंप्रेशन है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब एकदम पूरा खाली होने होता है तो क्या होता है, तुरंत एकदम अचानक पिस्टन नीचे हो जा नीचे आ जाता है, अचानक आया मतलब क्या है, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन है। अब इसी चीज़ को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं ज़रा समझो, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ, ए वाला एक्सिस में हमेशा हम पी लिखते हैं, ए वाला एक्सिस में हमेशा हम वी लिखते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे शुरू किया तो अचानक से पूरा एक्सपेंशन हुआ, अचानक से क्या हुआ, धीरे 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 मतलब यहाँ पे जब मैंने इग्नाइट किया तो धीरे 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 मॉलिक्यूल जल रहे, एक्सपेंड हो रहे, मतलब एक मिलके दो बना, दो चार, चार बना आठ, आठ बना सोलह, सोलह बना बत्तीस, बत्तीस बना 64, तो ऐसे ऐसे करके इग्नाइट हो रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ से जब मैंने शुरू किया, ये मेरे स्टार्टिंग है प्रोसेस ए का, जब मैंने यहाँ पे शुरू किया तो धीरे 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 क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, धीरे 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 एक्सपेंशन कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। फिर सर्टेन एक लेवल में बी आया, उसके बाद क्या हो गया, जब 50% रीच हो गया था, जब 50% रीच हुआ तो अनदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होगा, अनदर 50% मतलब कम्बशन होगा, अचानक वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैंने बना दिया सडन ड्रॉप, सडन ड्रॉप बी टू सी में सडन ड्रॉप, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा था, ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा लेकिन बढ़ तो रहा था ना। उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम पहुँच चुका है, सब सब जल चुके हैं, अब क्या होगा, ये जो पिस्टन इसके ऊपर लोड लगाया लेकिन भरा हुआ है कोई चीज़, तो धीरे 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 कंप्रेस करेगा, तो धीरे 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 कंप्रेस होते रहेगा, धीरे 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 कंप्रेस होगा, धीरे धीरे हो रहा है मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो हम लोग कम की तरफ जाएंगे, यहाँ तो वॉल्यूम मैक्सिमम है ना, तो हम लोग धीरे धीरे कम की तरफ जा रहे हैं, डन, कम की तरफ जा रहे हैं। और देखो प्रेशर क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब इस तरफ जाना है हमें प्रेशर इंक्रीज़ करते हुए, तो ये हमारा बन गया, इस तरफ हम जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज़ करते हुए, डन। उसके बाद क्या होगा, एकदम सडनली क्या होगा, तुम्हारा कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब जब निकाल रहे होते हैं ना, जब थोड़ा सा बचता है तो तुरंत निकल जाता है, तो सडनली कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये जो चीज़ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें अगर हमें याद होगा तो पहले यहाँ पे कौन सा हुआ था, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हुआ था, आइसोथर्मल में कौन सा, आइसोथर्मल कंप्रेशन की एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हुआ था यहाँ पे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था, फिर अचानक 50% रीच हुआ, सडन बढ़ गया, दैट इज़ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ था यहाँ पे, क्या हमें बातें समझ आते हैं, यहाँ पे हो गया था एडियाबेटिक एक्सपेंशन। उसके बाद क्या हुआ था, पिस्टन लोड डाल रहा था तो भरा हुआ था, तो धीरे 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 खाली हो रहा था, मतलब कंप्रेशन हो रहा था, बट धीरे धीरे हो रहा था, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हमें समझ आता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा था। फिर क्या हो गया, सडनली क्या हो गया, जब थोड़ा सा बाकी था तो तुरंत भर गया, तो तुरंत खाली कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया इस पार्ट में, डन। तो इसी प्रोसेस का नाम है साइक्लिक प्रोसेस, मतलब दोबारा अभी फिर से इसके अंदर फ्यूल डालेंगे, फिर से यही चीज़ दोबारा होगा, मतलब ये क्या है, ये कीप्स ऑन रिपीटिंग होता है, ये क्या होता है, कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो यही जो चीज़ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से समझ आया होगा, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आपको कोई भी डाउट लेफ्ट नहीं था, क्योंकि ये पूरा ना इंजन के ऊपर होता है, जो साइक्लिक प्रोसेस है पूरा इंजन के ऊपर बनाया गया है, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।